बिहार के मोतिहारी में बारातियों को लॉकडाउन तोड़ना भारी पड़ गया। पुलिस वालों ने बीच सड़क पर ही बारातियों का इम्यूनिटी टेस्ट करा दिया। ये रिपोर्ट देखिए कैसे बारातियों को पुलिस से जान बचाने के लिए मेंढक दौड़ लगानी पड़ी। बीच सड़क पर मेंढक दौड़ लगा रहे बारातियों की यह तस्वीर बिहार के मोतिहारी जिले की है, जहां लॉकडाउन तोड़ने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर पुलिस वालों ने बारातियों का अनूठा इम्यूनिटी टेस्ट लिया और बीच सड़क पर मेंढक दौड़ करवाने लगे। बिहार में कोरोना के कोहराम को देखते हुए 25 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू है। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत आदेश दिया है कि शादी विवाहों में बिना बैंड बाजे के साथ सिर्फ 20 लोग शामिल होंगे, लेकिन मोतिहारी में सरेआम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई। गांधी चौक पर जब पुलिस वालों की नजर बारातियों से फूस फूस कर भरी इन गाड़ियों पर पड़ी, तब पुलिस एक्शन में आ गई। आग बबूला हुए पुलिस वालों ने बारातियों को गाड़ी से बाहर निकालकर पहले कोरोना गाइडलाइंस का पाठ पढ़ाया, फिर दोनों कान पकड़कर सड़क पर मेंढक दौड़ करने का फरमान सुना दिया। कार्रवाई से बचने के लिए देखे सभी बारातियों ने एक साथ दौड़ लगा दी। शरीर से हट्टे कट्टे बाराती तो पुलिस के अजीबो गरीब इम्यूनिटी टेस्ट में पास हो गए, लेकिन कुछ बाराती सड़क पर 2-4 मेंढक की छलांग मारने के बाद सिर पकड़कर हांफने लगे। बारातियों की हालत देखकर पुलिस वालों को भी दया आ गई। बाद में पुलिस वालों ने सभी बारातियों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया। साउथ साइक्लोन से तबाही के बाद अब देश के पूर्वी तटों पर चक्रवात यास का खतरा बना हुआ है और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली। चक्रवात यास के खतरे को देखते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शनिवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के साथ अहम बैठक की, जिसमें चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मछुआरों को आज से 26 मई तक बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश के तटों पर न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कोरोना मरीजों, अस्पतालों और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। विशाखापत्तनम में INS डेगा और चेन्नई में INS रजाली को उतारा गया है। इसके साथ ही 4 जहाज और आपदा टीम, गोताखोर और चिकित्सा टीमों को स्टैंडबाय मोड पर रखा गया है। NDRF की 65 टीमों की तैनाती हो चुकी है और अतिरिक्त 20 टीमें स्टैंडबाय मोड पर रखी गई हैं। इसके साथ ही सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड की पानी की जहाज और एयरक्राफ्ट भी तैयार कर दी गई हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास के मद्देनजर उड़ीसा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। गुजरात के वलसाड़ में 5 शव बहते दिखाई दिए। अधिकारियों के मुताबिक ये लोग बार्ज P-305 जहाज के चालक दल का हिस्सा हो सकते हैं। बार्ज P-305 ताउते तूफान के चलते अरब सागर में लापता हो गया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।